क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आपका स्वागत है। कटक के विभिन्न क्षेत्र से आए अनेक बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं नंदकिशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। हम सबको मालूम है भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बजट पेश किया था लोकसभा में, बजट 2022-23 का। वो बजट के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ भी यहाँ पर क्रांति उड़ीसा ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं एक दमदार पैनल और दमदार ऑडियंस, दोनों ही दमदार है। और विभिन्न क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कैपिटलिस्ट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, जो बड़े बड़े अखबारों में और मीडिया सेंटर में हमारे यहाँ पर क्रांति उड़ीसा में भी लिखते हैं, उनके करीब सीरीज चलती है वो भी हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, समाज सेवी हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। और पार्टी वाइज भी अगर कहूँ तो यहाँ पर बीजेपी के भी लोग हैं, बीजेडी के भी लोग हैं। इस तरह सभी तरह का लोगों का समावेश आज यहाँ पर किया गया है। और आशा है कि क्रांति उड़ीसा वेब टीवी के दर्शकों को बहुत ही आनंद आएगा कि आज के इस बजट चर्चा पर, बजट की जन चर्चा पर। अब प्रोग्राम मैं आरंभ करने जा रहा हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं चंद दो चार शब्दों कहना चाहूँगा आपको। ये जो बजट की जो व्यवस्था अभी हमारे देश में चल रही है, आज़ादी के 75th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, ये जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है बजट की, इसके पहले ये बजट व्यवस्था हमारे देश में अंग्रेजों ने लेकर आए थे। अंग्रेजों लोगों की देन है ये बजट व्यवस्था। उसके पहले हमारे जितने भी देसी राजा महाराजा, वो कैसे, उनके शासन प्रणाली कैसी थी, कैसा उनका बजट काम था, कैसे चलता था, बजट के बारे में खास तौर पर मैं जहाँ तक समझता हूँ किसी इतिहास पुस्तक में उल्लेख नहीं है कि किसी राजा महाराजा देसी लोगों ने, नवाबों ने कोई बजट की व्यवस्था की थी। बजट व्यवस्था सर्वप्रथम हमारे देश में लेके आए अंग्रेज, पराधीन थे, गुलाम थे अंग्रेजों के। उस समय वहाँ बजट जो व्यवस्था होती थी, वहाँ होती थी बजट की व्यवस्था सुबह 10 बजे इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, और उसी के अनुरूप हमारे देश में व्यवस्था होती थी शाम को 5 बजे, क्योंकि टाइमिंग का 8-10 घंटे का जो गैप है उसको मेकअप करते हुए वहाँ 10 बजे बजट पेश होता था इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अंग्रेजों द्वारा 5 बजे शाम को पेश होता था बजट। ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था देश की आज़ादी के 50-60 साल तक भी चली। पिछले 15 साल के पहले ये व्यवस्था चेंज हुई कांग्रेस गवर्नमेंट के समय, ये गई एक बात। दूसरी बात, मैं बजट संबंधी और एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को, सूचनार्थ है। ये जो अभी 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, पिछले 3-4 साल से 1 फरवरी को आ रहा है, इसके पहले 27 या 28 फरवरी को आता था, 27-28 फरवरी को आता था बजट। अब 3-4 साल से मोदी सरकार के टाइम में 1 फरवरी से आने लग गया, फिक्स डेट 1 फरवरी नहीं, उसके पहले 27-28 को अनुमान आता था। मोदी सरकार पर यह आरोप लगता है विरोधियों द्वारा, वो कितना सच्चा कितना झूठा, मीडिया की तरफ से हम न्यूट्रल हैं, कि ये एक्चुअली सबका साथ सबका विश्वास सबके साथ, ऐसी बात नहीं है। ये बजट जो है ये लाखों करोड़ों में होता है, तो इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। और हमारे सामने छटे हुए बुद्धिजीवी विभिन्न क्षेत्रों के अपने अपने स्पेशलाइज बैठे हुए हैं। ये जो हमारा वेब टीवी है, आपको मालूम है थोड़े से पीरियड में इसने बहुत ही तरक्की की है, और हमारे दायित्व हो जाते हैं कि किस तरह हम इनके साथ में मिलकर चलें। आज ये प्रथम प्रयास है, पहली साल बजट पर चर्चा हो रही है, और मैं ऐसी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ और आप सब लोग से ये कहूँगा कि आप लोग ऐसा प्रेरणा स्रोत बने कि अगले बजट सत्र में ये बहुत बड़ा हमारा वेब टीवी चैनल चर्चा का विषय बने। अब हम विषय पे आते हैं कि बजट जो निकला है, ये बजट आप 8 साल से मोदी जब से बैठे हैं मोदी जी, तो उनके बजट में शुरू में उनको बहुत सी बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बजट पे मेन चीज़ जो हैं, हम व्यापारी के हिसाब से दो विषय पे बात कर लेता हूँ, फिर मेरा नंबर आएगा देखूँगा। हम लोग व्यापारी अफेक्टेड होता है इनकम टैक्स से और वैट से, बाकी चीज़ों में हमारा उतना कोई अफेक्ट नहीं रहता है। इनकम टैक्स में इन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया है, इनकम टैक्स एज इट इज़ रखा है। और आज संसार के
गिने चुने जो देश हैं उनके अंदर में ये हमारा टैक्स रेट आता है। बहुत से कंट्रियों में टैक्स का रेट 40-50% 60% तक है, लेकिन कुछ लिमिटेड उन गिनतियों पे करोगे दो चार देशों में 20% है, बाकी हमारे 30% है। तो टैक्स के रेट के मामले में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर में टैक्स का भार बोझ हमारे ऊपर में नहीं है। तो ये बात आप मान के इनकम टैक्स का चलें। अब हम बैट पे एक मिनट बोल दें। बैट का आप देखिए, बैट का नहीं, अपना जीएसटी का, जीएसटी में आप देखिए कि जीएसटी आने के बाद में अगर ईमानदार व्यक्ति है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है, इस देश को अपना देश मानता है, जिस तरह अपने घर को घर मानता है, अगर देश को देश मानता है, तो जीएसटी के अंदर में अगर ईमानदारी से काम करे तो एक परसेंट भी उसको तकलीफ नहीं है। और जिसकी अगर भावना में कुछ है तो उसके लिए तो भाई कोई उपाय नहीं है। अगर उन्होंने टैक्स के रेट कर दिए हैं, आप ईमानदारी से टैक्स देते चले जाइए और आप अपना टाइम पे अपने सब फॉर्म वगैरह फिलअप कर दीजिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। टोटल इन्होंने फेसलेस कर दिया है, कोई अपने छापेमारी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ पहले मुझे ध्यान है, मैं मेरा ही बता दे रहा हूँ कि आए दिन मेरे यहाँ विजिलेंस वाले और इंटेलिजेंस वाले ये वाले बैठे रहते थे, महीने में 2-3 बार दुकान पर आ जाते थे। लिंक रोड में मेरी पाइप की दुकान थी, तो हम थोड़े यंग थे, जुझारू थे, तो हम लोग पंगा ले लेते थे उनसे, लेकिन बात यह कि वो रोज़ का टेंशन था। लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है, जब से मैं देख रहा हूँ कि कुछ आज तक कोई आया नहीं हमारे यहाँ, एकदम से हमारा टैक्स कलेक्शन किया, हमने टैक्स जमा दे दिया। तो अगर उस समय हमारा अगर 10 लाख पैदा होता था और अगर हमारा भी 7 भी होता है तो हम 100 गुना ज़्यादा सुखी हैं। साथ में हमारी शांति, उस समय 10 पैदा करने के बाद में अशांति रहती थी, आए दिन पंगा लगाने चले जाते थे दुकान पे, कोई रफ कागज लिख रहे हैं हम पेपर पे, न्यूज़पेपर पे लिख रहे हैं तो ये क्या, इसका हिसाब बताओ। अरे मूड में आदमी बैठा खाली खाली लिखता रहता है, वैसे वैसे लिख रहे थे हम लोग, कुछ हिसाब क्या है। ऐसे हुआ करते थे एक ज़माने में, आप सबको शायद मालूम, पुराने लोग जितने बैठे हैं सबको मालूम होगा इस तरह की व्यवस्था थी। तो आज हम बैठ के अंदर में मैं इसको बहुत अच्छा टैक्स, ये जीएसटी को मैं बहुत अच्छा टैक्स मानता हूँ। और इसके अंदर में अगर आप सीख से काम कर रहे हैं, चैन की नींद सोइए, आराम की नींद सोइए, जितना मिले उतना पैसा आपके घर में आता है, शांति से रहिए। एक भी व्यापारी मुझे बता दीजिए जिसने बिना टैक्स का पैसा इकट्ठा किया और काफ़ी इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद में ब्याज में लगा दिया, ब्याज में वाला 90% लोगों का पैसा वापस आया क्या? आप अपने आसपास में पता कर लीजिए, वापस नहीं आता है। आप करते हैं जो पैसा, आप ये आप अगर टैक्स देके पैसा अपने घर में रखते हैं तो 100% आप एफडी करा दीजिए, चैन की नींद सोइए, आपका पूरा पैसा आपके घर में, कोई आपको मारने वाला नहीं है। तो पैसे का एक जो मोदी जी ने सिखा दिया कि पैसे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पैसे की क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम अपने बैंक में रख सकें, रात को सो सकें, पैसे की क्वालिटी है, वो हम लोग सीख गए, वो हम इनकम टैक्स से भी सीख गए और हम जीएसटी से भी सीख गए। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा एक बात आई है परचर्चा में कि कॉरपोरेट की ये सरकार है मोदी सरकार, मैं 101% मैं इसको आम जनता की, देशवासियों की सरकार मानता हूँ, राष्ट्रवादी सरकार मानता हूँ, मैं कॉरपोरेट की सरकार इसको नहीं मानता हूँ। आपको बता दूं कि कॉरपोरेट में आप मोदी जी से पहले कॉरपोरेट में 90% एक चोरों का जाल बना हुआ था, जो बैंकों से हम लोग का पैसा जमा होता था 10%, 8%, 7% ब्याज पे हमको पैसा, हमको शायद 5 साल पे डबल करते थे बैंक वाले, ऊंची रेट देते थे, और वो हमारा पैसा सुरक्षित नहीं था, वो चोरों के हाथ में चला जाता था। चोर वो आज भी, वो उनको पकड़ने में मोदी जी लगे हुए हैं, उस पैसे का हमारा कोई गारंटी नहीं रहती थी। लेकिन आज जो कॉरपोरेट के अंदर में रह गए हैं, उन चोरों को सबको चूहों के बिल में घुसा दिया है, कोई देश भाग गया, कोई विदेश भाग गया, कोई जेलों में पड़ा हुआ है, कोई भगवान का नाम ले रहा है। अब जो रह गए सब ऑनेस्ट लोग रह गए हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके प्रोडक्शन चल रहे हैं, लाखों लाखों आदमी कारोबार पा रहे हैं, अच्छे मकान मिल रहे हैं, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छे रोजगार मिल रहे हैं और बहुत मज़े में रह रहे हैं। आज हमारे मारवाड़ी समाज के बच्चे जो व्यापार करते थे, आज मारवाड़ी समाज के बच्चे व्यापार से ज़्यादा नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, टाटा के यहाँ करने में इंटरेस्ट है, बोलता है मेरा 10 लाख का पैकेज है, मेरा 20 लाख का पैकेज है, सुन के हम लोग की हवा निकल जाती है, साला व्यापार में इतना नहीं कमाते, उतना उनको पैकेज है एकदम से नौकरी के अंदर में। तो आप कॉरपोरेट वाले को मानिए कि आज कॉरपोरेट वाले आज बहुत बड़ी हमारे देश की एक एसेट बन गए हैं। कॉरपोरेट में आज टैक्स की बात करिए कि भाई 18% से 15% कर दिया, या ये जो भी उनको फ़ायदा दिला दिया। आप मुझे बताइए अब जितने भी जो कॉरपोरेट वाले रह गए हैं सब अच्छे रह गए हैं, और आगे जो बच्चे कुछ हैं उनको अच्छा होना पड़ेगा। बेईमान के लिए भारतवर्ष में जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी मोदी के समय में। तो आप ये मान के चलिए, थोड़ा एक मिनट,
अब आप ये मान के चलिए कॉरपोरेट के अंदर में आप जो डिविडेंड जो मिलता था, डिविडेंड में आप थोड़ा सा पीछे जाइए, डिविडेंड मिलता था, डिविडेंड टैक्स फ्री होता था, कंपनी मिनिमम टैक्स देती थी और हमको डिविडेंड मिलता था, डिविडेंड हमारा पूरा चला जाता। आज जितनी भी कॉरपोरेट घराने हैं 70-80% 60% शेयर उनके डायरेक्टरों के ही पास में है। आप चार्टर्ड अकाउंट साहब, हमारे वकील साहब समझिए थोड़ा सा, सारे शेयर्स उनके पास में हैं सारे, और वो शेयर जो उनके पास में है तो डिविडेंड वो देते हैं, तो डिविडेंड पे अब उन्होंने टैक्स 30% डायरेक्ट टैक्स 30% कर दिया है। तो हम लोग को भूल में नहीं रहना चाहिए कि उनको बहुत बड़ा फायदा कर रहा है, वो हमसे ज़्यादा घाटे में है। वो अभी हम लोग के कंपनी पे प्रॉफिट आ रहा है जितना, अभी 1 करोड़ रुपये हमारे दीपक काजरिया ने कमाया, 30 लाख रुपये टैक्स दे दिया, नक्की हुआ 70 लाख रुपये बैंक में एफडी कर दिया, छुट्टी हो गई एकदम से। और अब वो कॉरपोरेट वाले से आप बात करिए, उसका 70% उसका शेयर है, अब उसके पास वो शेयर का जो डिविडेंड उसने दिया उसमें 30% टैक्स जमा दे, और ये 18 यहाँ दे दिया 17-15, तो कहाँ फायदा हुआ उनको? आप समझ नहीं रहे हैं, उनको उनसे पूरा पैसा लिया है, और देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए मोटा पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, तो पैसा निकलवा भी लिया है और एक मैसेज भी दे दिया है, और देश का व्यापार अच्छा चले, देश की इंडस्ट्री चले, पैसा लेके भागे नहीं, बैंकों को लूटे नहीं, उसकी व्यवस्था भी इन्होंने बनाई हुई है। मैं फिर अपने राउंड के लिए आऊँगा, धन्यवाद जी। आपने बहुत अच्छी बातें कही है, और ख़ास तौर पर मोदी जी की जो राष्ट्रवादी चिंताधारा है उसको आपने बहुत अच्छे से बखूबी आपने उजागर किया है। देखिए, पिछले 20-30 वर्ष में कोई भी ऐसा बजट नहीं है जो मैं पूरा देखा नहीं, इतना अद्वितीय बजट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। दूसरी बात, जो चीप पॉलिटिशियंस होते हैं वो चीप स्लोगन बनाते हैं। गवर्नमेंट ने कोई भी इनकम टैक्स में कंपनी को छूट नहीं दी है, 22% टैक्स लगता था, 22% ही है। गवर्नमेंट ने एक ही काम किया है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर था उसको 18% टैक्स देना पड़ता था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और जो जनरल सेक्टर है उसको 14.5% देना पड़ता था, तो कोऑपरेटिव सेक्टर को उसके पार में लाया है, उनको 15% देना पड़ेगा। आज इस बजट में पहले 3,65,000 करोड़ फार्मर्स के लिए अलॉटमेंट था, इस बार इन्होंने 4,80,000 करोड़ रुपया उसको अलॉट किया है। कोई भी पैनल में किसी ने भी इस पर डिस्कशन नहीं किया, किसी भी जगह मैंने पैनल में, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, क्या तो चीप बात कर जाएंगे कि आपने मतलब की कर जाएंगे। मोदी जी ने 2 साल पहले 30% से 25% कॉरपोरेट के लिए टैक्स घटाया, फिर उससे 22% लाया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? आज हमारी कंपनी में यदि रुपया रहेगा तब तो हम उसका एक्सपेंशन करेंगे ना, रुपया ही नहीं रहेगा तो कहाँ से एक्सपेंशन करेंगे? तो ये जो 8% रुपया आया ये कंपनी के ग्रोथ में लगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। आज इस बजट को मैंने अद्वितीय क्यों बोला? आज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 35% बढ़ा दिया गया, उसके चलते क्या होगा फ्यूचर में आप देखिएगा, इतना ये इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नति होगा। आप बताइए ना, जिस गांव से रोड निकल जाती है उस ज़मीन का दाम बढ़ जाता है ना, कि यहाँ कुछ काम न कुछ लगेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे देश में बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट करने के लिए, तो तीव्र गति से वो होगा, पैसा आया ना वहाँ पे। सेकंड, इन्होंने क्या किया, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ ध्यान ही नहीं था। विश्व में 1.5-2% हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है, हम चाइना करते हैं, तो चाइना करने से तो नहीं होगा, चाइना पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करता है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करता है। तो आज इन्होंने बोला ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी हम बदली करेंगे, आप बदली करेंगे तो बाहर से लोग आएंगे यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ, पहले हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो मोदी जी आने के पहले सब बाहर से चाइना में बन के आता था, इन्होंने खोला, कोशिश भी किया, आज 5.5 लाख आदमियों को उसमें नौकरी मिली है, और 5.5 लाख करोड़ का ही बिजनेस होने लगा इलेक्ट्रॉनिक का, जो यहाँ पार्ट्स बनने लगा, मोबाइल बनने लगा, हमको एक्सपोर्ट भी होने लगा। पहले क्या होता था, बाहर से लाया, अपना ठप्पा लगाया, दे दिया, चाहे बाद में चाइना से बनता, चाइना से लाया, दे दिया।
तो ये जो लोग चीप स्लोगन देते हैं ये कभी भी गंभीरता में नहीं जाते। उन्होंने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को कम किया है, जो कॉरपोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 18% देना पड़ता था और वो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जनरल को 14.5% उसको 15% ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी को उनके पार में लाया है। अब आप आइए, एजुकेशन का बजट हमने 1,00,000 करोड़ पहुँचा दिया, किसी ने भी डिस्कशन में नहीं बोला है पॉइंट को, खाली हल्की बात बोलने आ जाते हैं। एक आदमी को ये कोरोना है, कांग्रेस का जमाना होता तो आप पे कोरोना टैक्स लगता। कांग्रेस ने जब भी कोई जमाना था, कांग्रेस का जमाना था कि इन पे पाकिस्तान से बांग्लादेश का बाहर हो गया तो रिफ्यूजी टैक्स लगा दो। आज इतना बड़ा कोरोना का पूरे देश में 150 करोड़ लोगों को उन्होंने टीका भी दे दिया, एक भी आपको टैक्स लगाया क्या बता दीजिए? ये मनमोहन सिंह ही लगाते पहले। ये जो हम अद्वितीय क्यों बोले, पहले खाली जमा खर्च होता था, टैक्स आया टैक्स गया टैक्स लगाया। इस बजट में भविष्य की तरफ देख के बनाया गया है। आज जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो बोले क्वाड्रिलेटरल रोड्स, तो मैं एक बार बालासर से आ रहा था तो बालासर वाले ने बोला बाबू आप जल्दी पहुँच गए, ये बाईपास नहीं बना होता तो अभी 3 घंटा पाए फंसे रहते, कभी इमेजिनेशन में इनके नहीं आता है। आज इन्होंने पहले फिर सागरमाला लाया, अब पर्वतमाला ला रहे हैं, तो एक विजन तो है देश को बनाने का। मोदी जी के बारे में पोदार जी ने बोला कि इनका विजन है, पहले सागरमाला लाया अभी पर्वतमाला ला रहे हैं, अच्छी बात है देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्रांति उड़ीसा के जो पैनल में आज हमें बुलाने के लिए और जो बजट पे चर्चा 2022-23 के लिए जो बजट हमारे देश के अर्थमंत्री ने जो प्रस्तुत किया उस पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मेरा पैनल में जो हमारे जो खंडेलवाल जी एक बिजनेसमैन हैं और वक्ता, उन्होंने जो कहा प्लस जो पोदार जी श्यामचंद्र जी पोदार जी ने कहा उद्योगपति भी हैं, मेरा विचार थोड़ा उनसे अलग है। मैं इस बात को विस्तृत रूप से बोलना चाहूँगा और पूरे जोर से बोलना चाहूँगा कि इस बजट में आपने एक बहुत बड़ी जो कमी देखी है वो आप चीज़ मार्क करिएगा। हमारे देश में आज भी लोग, ज़्यादातर लोग बिजली पानी सड़क ये 3 चीज़ों पे आज भी जूझ रहे हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, हम जब सड़क पे चलते हैं, रास्ते बनते हैं, सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार एलोकेशन किया है कह रहे हैं, सड़क पे आप जब गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए एक रोड टैक्स लगता है, कोई भी गाड़ी खरीदी उस रास्ते से, इसलिए वो टैक्स दिया जाता है कि रास्ते बनाने के लिए दिया जा रहा है। हम जब इनकम टैक्स लेते हैं उससे क्या बनेंगे ना, रास्ते बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, जहाज के एयरपोर्ट बनेंगे, सब चीज़ का काम टैक्स से, सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है उसके लिए टैक्स लेते हैं। उसके बावजूद आपने मार्क किया होगा, हम हर दिन जब पेट्रोल खरीदते हैं उस पर एक सेस लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोड का सेक्स, माने रोड टैक्स जो होता है उस पर एक टैक्स है कि ना हम रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम GST दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके ऊपर एक सेस दे रहे हैं, पेट्रोल और डीजल जब भी खरीदते हैं उस पर एक सेस देते हैं। और आपको पता होना चाहिए पिछले साल यानी जिस साल में अभी ख़त्म हुआ नहीं है अभी तक जनवरी महीने तक 1,30,000 करोड़ रुपया सेस पे हम लोग दे चुके हैं। टैक्स अलग है जो जिस पे कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी लगती है फिर वैट लगता है उसको छोड़ के सिर्फ सेस के बाबत में हम लोग 1,30,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। मैंने किस तरह से पैसा सरकार ले रही है, कहाँ खर्चा कर रही है, क्या हो रहा है अलग बात है, तो उसके बावजूद इस तरह के और भी बहुत उदाहरण हैं, दूसरी बार जब आएंगे तो बात करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है, पैसा इतना जब सरकार के पास आ रहा है, कल आपने देखा होगा वित्त मंत्री जी ने कहा यहाँ पूंजीपति हमारे देश में मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे, देश की 140 करोड़ या 135 करोड़ की जनता में मुश्किल से 1% पूंजीपति होंगे, लेकिन आम आदमी, आप हम जो यहाँ बैठे हैं सब आम आदमी, मध्यवित्त श्रेणी के आदमी हैं,
हम सिर्फ सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इनकम टैक्स में अगर हमें बचत होती है तो उसको हम लोग एक बहुत बड़ा अच्छा बजट मानते हैं। हमारे अर्थमंत्री ने देखिए, मैं बड़ी मुझे भी बोलने में बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए उनसे जब पूछा गया कि आपने मध्यवर्ती श्रेणी के लिए क्या किया, आपने तो इनकम टैक्स में कुछ कमाया नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, ये एक बड़ी धृष्टता की बात मैं कहूँगा कि एक महिला अर्थमंत्री थी, लेकिन उन्होंने कहा हमने आपको 2 साल से बढ़ाया नहीं। यानी मध्यवर्ती श्रेणी के आदमी अगर टैक्स बढ़ाएं तभी उनके ऊपर उन पर लोग लाद सकते हैं, लेकिन दूसरे पर आप टैक्स ले कमा सकते हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन जो मध्यवर्ती श्रेणी जो 2 साल से कोरोना के काल में हर दिन परेशान है, 6-6 महीना रिटेल दुकान वालों की दुकानें बंद रहीं, आपने उनके लिए क्या किया? वो जो एक नया लोन दिया छोटे MSME में रिटेल वालों को सभी को, वो लोन को आपने 6 महीने के बाद से लेना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट आपने एक बार मॉरेटोरियम 6 महीना किया उसके बाद उसको वापस लेना शुरू कर दिया, लेकिन आपके पास सेल आज भी 19-20 वाली सेल आई नहीं, आपने रिकवरी पूरी नहीं है, 70% से ज़्यादा रिकवरी नहीं, लेकिन जो दुकानें बंद हुई उनके लिए तो कुछ ने आपने नहीं किया। तो इस तरह का ये जो कार्यक्रम है हमें देखना पड़ेगा कि इस बजट में ज़बरदस्त रूप से एक बड़ी खामियाँ आई हैं आम आदमी के लिए और लोगों के लिए, मैंने बहुत कम है इसमें जो कि बहुत इसकी गुंजाइश थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे गणतंत्र राष्ट्र में विचारों की भिन्नता रहती है, तो पहले दो वक्ताओं ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का जोरदार समर्थन किया, उसके बाद रमण जी ने अपनी एक अलग राय रखी, इन दोनों से अलग राय रखी, भिन्न राय रखी, बहुत अच्छी बात है, यही तो गणतंत्र की निशानी है, गणतंत्र की खूबी भी यही है, खुशबू भी यही है। आपने आज ये जो चर्चा की है बजट पे और इस चैनल में हमको बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला जी, जो चौथा बजट अब की दफ़े उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किया है, मैंने तो जब से बिजनेस किया है देखा है, मेरी समझ में ऐसा बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर बजट कभी नहीं देखा होगा मैंने। और जहाँ तक अभी बात आ रही थी कुछ कि बड़े बड़े घरानों को ये हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 करोड़ का देना, जो 35% पिछले साल से ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ रुपया अब की दफ़े एक्स्ट्रा दिया है, जिससे गाँव में सड़कें बनेगी, दूसरे कार्य होंगे, उसमें बहुत सी कंपनियों को फ़ायदा होगा, चाहे वो सीमेंटेड की कंपनी हो चाहे वो लोहे की कंपनी हो, उनकी काम चलेगा और वहाँ पे उनके माने सबसे बड़े रोज़गार का जो काम है वो इससे मिलने का बहुत बड़ा एक टू, ये मोदी जी ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के लिए 2.7 करोड़ की MSP के लिए सरकार ने किया है, जिससे किसानों को उचित दाम मिले, हर किसान अपना पहले जो खुदकुशी करते थे और आज मोदी जी के इस नेतृत्व के अंदर में आज उनके लिए इतना बड़ा बजट MSP का उन्होंने मंजूर किया है, ये कोई एक साधारण बात नहीं है। दूसरा, फर्टिलाइजर के ऊपर में सब्सिडी, 1.5 लाख की सब्सिडी सरकार ने मंजूर की है, 40 हजार करोड़ रुपया आवास निर्माण के लिए मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने अभी सैंक्शन किए हैं, 60 हजार करोड़ रुपया जल योजना, जो हर इससे 62 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके बाद बहुत सी ऐसी इस बजट के अंदर में है जो ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट के लिए है। आज मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जो लोग कॉरपोरेटों को दोष देना चाहते हैं कि आज अगर कॉरपोरेट नहीं होंगे तो क्या हमारा जनजीवन सही चल सकेगा। आप देखिए, एक ज़माने में जब मोबाइल आया था 16 रुपया मिनट का था, मेरे को मालूम है, आज ये 97 की बात मैं बोल रहा हूँ, 16 रुपया पर मिनट चार्ज होता था, इनकमिंग का भी होता था, और आज जब जियो आया
तो आप देख रहे हो कि हर पैदल चलने वाले, साइकिल चलने वाले, हर घर में काम करने वाली बाई के पास भी आपको मोबाइल फोन मिलेगा। ये कभी आपने सोचा था ये कौन लेके आया? ये वही कॉर्पोरेट लेके आए, उन्होंने ही इसको किया है। इस तरीके के बहुत बड़े उदाहरण हैं मेरे पास में, लेकिन समय का अभाव होने से मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा, सेस लगता है डीजल के ऊपर में, ये मोदी जी ने नहीं लगाया सेस, सेस ये पहले से ही लगता आ रहा है। और जहां तक व्यापारी वर्ग की बात की जाए, मोदी जी से पहले 2014 के पहले इंटरेस्ट रेट 15% तक चला गया था, जो आज एक व्यापारी को 8 या 9% देना पड़ता है, जिसकी कितनी बड़ी राहत एक व्यक्ति को मिलती है। एसएमई, जैसा कि मेरे मित्र ने भी बताया कि एसएमई का कुछ दिया वो 6 महीने में, ऐसा नहीं है, आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। उसके लिए उनका अभी 5 साल का पीरियड है, 2 साल आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा और 3 साल आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा उसके लिए। इतना बड़ा जो कार्य इस सरकार के द्वारा हुआ है वो मेरी समझ में बहुत ही बढ़िया है, और इससे बढ़िया मेरे को लगता नहीं। क्योंकि लोगों को तो यहाँ तक था, जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि वो बोले कि टैक्स नहीं लगा, ये अच्छा हुआ। लोगों को यही था कि आज कोरोना काल में सरकार का इतना बड़ा बोझ बढ़ चुका है और इससे ज़रूर कहीं कहीं कोई टैक्स या कोई एक्स्ट्रा ऐसा भार हमारे ऊपर पड़ने वाला है। जब ये भार नहीं पड़ा, कॉर्पोरेट जगत की 2 दिन से मैं शेयर बाजार को देख रहा हूँ, हरियाली छाई हुई है। जहाँ एफआईआई जहाँ माल 6,000, 4,000, 3,000 करोड़ डेली बेचता था, वो कल जो है 22 करोड़ का माल खरीदा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हर वर्ग के लिए इस सरकार ने किया है, और जो ये सरकार ने बजट में दिखाया है वही उसने किया है, नहीं तो आज आगे चुनाव आने वाले हैं, इसी महीने के अंदर में चुनाव आने वाले हैं। कोई भी आप ये बताइए कि चुनाव के माने ऐसा इस बजट में दिखा दीजिए कि ये चुनाव के लिए उन्होंने किया हो। अगर दूसरी सरकारें होती ना, ये चुनाव के सपने दिखाना इस बजट में चालू कर देते, तो ऐसा इस बजट में कुछ नहीं है। मोदी जी सरकार के अंदर में जो वो बोलती है, जो वो कहते हैं, वो होता आया है। और इससे बड़ा बजट, बढ़िया बजट मैंने बहुत आदमियों से बात किया है, माने कॉरपोरेट जगत के लोगों से भी बात किया है और भी व्यापारियों से बात किया है, तो ये बजट बहुत ही बढ़िया बजट है। इसके लिए मैं पुनः हमारे वित्त मंत्री साहिबा को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनसे अपने बजट के बारे में विचार जानना चाहूँगा, 2 मिनट में कृपया बताइए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं क्रांति उड़ीसा वेब सीरीज को धन्यवाद दूंगा इस परिचर्चा को आयोजन करने के लिए। बहुत अच्छे पैनल सामने बैठे हैं, उन्होंने बजट के ऊपर में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हम यहाँ सकारात्मक विचार रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे कोई ना तो मोदी भक्त है न कोई एंटी मोदी है, सब अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने खुले मन से अपने अपने विचार रख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जो काबिले तारीफ है, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, इस दरमियान कोई भी सरकार अगर बजट प्रस्तुत करती है तो उसमें इतने प्रावधान देते हैं कि उनको अपनी वोट की राजनीति जो है उसके लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं, जो कि इस बजट में देखने नहीं मिला। ये एक बहुत सकारात्मक काम जो इस सरकार ने किया है, यह परिपाटी अगर आगे चलती रहेगी तो देश का कुछ ना कुछ तो उन्नति होगा, ये मुझे आशा है। ये पहली बात है। कुछ वक्ताओं ने कहा सूक्ष्म और लघु उद्योग के विषय में, हमारी मांगे कुछ और है सरकार से, हमें दिया कुछ और जा रहा है। जैसे कि जिस समय
कल कारखाने बंद थे, सरकार ने पहले चरण में ECLGS डिक्लेयर किया 3.5 लाख करोड़ रुपया। हम लोग भी आश्चर्यचकित थे, माने फर्स्ट रिएक्शन वाज 3.5 लाख करोड़ रुपया MSME को, वी आर सरप्राइज्ड। किंतु जब उसकी रूपरेखा आई और हमें समझ में आया, कह रहे हमारे तो कल कारखाने बंद हैं, सरकार बोल रही है कि आपको 20% हम ज्यादा लोन देंगे। हमारी मांग लोन लेने के लिए नहीं थी, हमारी मांग सरकार के पास में थी कि जो वर्कर हमारे हैं, जो 6-6 महीने से बिना तनख्वाह के, बिना काम के 8-8 महीने तक कारखाने बंद हैं, वो पैसा कहां से लाएंगे। आप लोगों को शायद यहां पे इस पैनल को और सरकार को ज्ञात होगा कि हम फॉर्मल सेक्टर को बिलोंग करते हैं और एग्रीकल्चर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में। तो फॉर्मल सेक्टर में बहुत प्रावधान ऐसे हैं जिसके माध्यम से सरकार वो जो गरीब छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग थे उनको सहारा दे सकती। हमारी रिक्वेस्ट उस समय सरकार से वही थी कि आप कुछ ऐसा प्रावधान करें कि लोग बोझ तले ना दबे, सूक्ष्म और क्षुद्र लघु उद्योग जो है वो बंद नहीं हो, जो बंद के कगार पे हैं। खैर, जो सरकार ने किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसके साथ में एक बात कहना चाहूंगा, सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया फर्स्ट फेज में, इस बजट में और 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया। मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 3.5 लाख करोड़ रुपया भी अभी तक संपूर्ण रूप से नियोजित नहीं हो सका है, अभी भी सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2,70,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। उसके बाद 2 साल हो गए, अभी भी लोगों को पूरा पैसा नहीं मिला, तो फिर इस स्कीम की क्या जरूरत थी। रैदर हम लोगों ने जो डिमांड रखा था कि 20% के ऊपर में आप 10% टॉपअप दीजिए, ताकि जो सूक्ष्म उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, जिनका 20% में गुजारा नहीं हो सका, उनको कुछ और पैसा मिलता और वो कुछ काम कर सकते। ये मेरी प्रतिक्रिया एज प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ये एक बहुत पुरातन संस्था है। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि बजट बोल के कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ही नहीं। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसको हम बजट के आकार में देते हैं। तो बजट क्या है कि हम अपना रेखा रूपरेखा बनाते हैं, उसमें हमारी आय क्या होगी, वाय और खर्चे क्या होंगे, उसके ऊपर उद्धारण की जाती है। ये होती है हमारी परिभाषा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 112 कहती है। उसके बाद मैं ज़्यादा, जेहेतु मेरी इनकम टैक्स में प्रैक्टिस है तो इनकम टैक्स का मैं हूँ, तो इनकम टैक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार ने, आप लोगों ने अभी चर्चा की कॉरपोरेट टैक्स, पहले कॉरपोरेट टैक्स 30% था, उसको भारत सरकार ने अब 22% में ले आया। टू प्रमोट द कॉरपोरेट हाउस, बिजनेस हाउस को बढ़ावा देने के लिए उसको बनाया गया था। अभी 15% उस कंपनी को दी जा रही है जो नई कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है, उसकी छूट अब 2024 तक बढ़ा दी गई है। वो स्टार्टअप कंपनी 2024 तक बन जाती है तो उनको 15% टैक्स देना पड़ेगा और जो भी इंसेंटिव्स रहेगा। ये लागू होती है हमारे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। किंतु आम आदमी का बजट के हिसाब से देखा जाए तो सैलरी क्लास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा जाए, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए वो बढ़ावा नहीं दिया गया। उसके बाद सब सोचे थे कि हमारा टैक्स स्लैब बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ाया गया था। अब इसके पीछे जो कारण है, मुख्य कारण कोई समझ नहीं पा रहा है। टैक्स स्लैब देखा जाए, आम आदमी का टैक्स स्लैब सही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख की इनकम करते हो तो आपकी टैक्स स्लैब मैक्सिमम 20% है। अब 10 लाख की इनकम भी आप बिना टैक्स दे रह सकते हो, ये समझना चाहिए। टैक्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, टैक्स जो है 30% जो आम आदमी के लिए नहीं है, वो हाई रिच पीपुल के लिए वो टैक्स को बनाया गया है।
अब वो कॉर्पोरेट्स में रहते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर वो इंडिविजुअल जो सैलरी लेते हैं वो टैक्स आप 30% 40% सरचार्ज मिला के देते हैं। तो ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि आम आदमी का बजट जो लोग सोचते हैं वो सही है, इसलिए आपका टैक्स स्लैब बढ़ाया नहीं गया। दूसरी बात, टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाने का और एक मुख्य कारण ये है, 5 लाख तक की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 87A में एक रिबेट मिल रहा है आपको, 12,500 टैक्स, 12,500 रुपये टैक्स बनता है, जो टैक्स आप 5 लाख तक की इनकम में वो रिबेट के आकार में मिल जाती है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो आम आदमी की जो इनकम, जो गवर्नमेंट के पास डाटा है उस हिसाब से वो सही है। मेरा मत और मेरा मानना ये है कि हम भारत में अभी 75वां अमृत महोत्सव पालन कर रहे हैं और सरकार का जो आह्वान है कि हम आने वाले 25 साल में एक अमृत काल, भारत सरकार की जो चिंताधारा है और भारत सरकार ने जो संकल्प लिया है वर्तमान सरकार ने, वो स्वागतजनक है। ये बजट कुछ व्यक्ति विशेष या किसी विशेष वर्ग को लेकर बजट नहीं बनाया गया है। ये बजट भारतवर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए और आने वाले 25 साल में ये भारत देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसकी रूपरेखा के अनुसार ये बजट को तय किया गया है। इसमें हर किसी वर्ग के लिए, हर किसी व्यवसायिक हो या नौकरी करने वाला हो या फिर अपने डिफेंस ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से मेरा लिंक है, माइनिंग सेक्टर से मेरा लिंक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं एक ऑल इंडिया फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे फार्मर्स को प्रमोट करती है, उसका मैं ओडिशा चैप्टर में एक जुड़ा हुआ हूँ। और मैं कल से महसूस कर रहा हूँ, जब से वहाँ पे बजट का एलोकेशन आया है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेते हुए, वहाँ पे खुशी की लहर छाई हुई है, क्योंकि आज हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और सही मायने में सरकार उस बात को सिद्ध करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। उसी तरीके से हर सेक्टर का पुनः एक नया आने वाले समय 25 साल का विजन लेते हुए ये सरकार आगे बढ़ना चाह रही है। सर्वप्रथम तो जो अपने कल बजट पेश हुआ और सरकार ने कोविड के इतने सारे खर्चे सरकार कर रही है, बहुत लंबा खर्चा सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी कोई अतिरिक्त सेस नहीं लगाया गया, ये हर एक आम आदमी के लिए बहुत राहत की बात है कि कोई भी अतिरिक्त सेस कोरोना को लेकर नहीं लगाया गया। साथ ही गवर्नमेंट अपना बहुत सारा पैसा खर्चा कर रही है डेवलपमेंट वर्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आने वाले सालों में अपने को इसका फ़ायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इसका अपने को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट की जो कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें अपने को होम लोन्स वगैरह आसानी से मिल रहे हैं और हर आदमी को सस्ता घर मिल पा रहा है, वो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए घर एक सपना होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और साथ में अभी डिजिटल करेंसी लाने के बारे में सरकार विचार कर रही है और आपका नेटवर्क वगैरह बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ये सब वेलकमिंग स्टेप्स है, क्योंकि आज के डेट में बिना नेटवर्क के इंसान जी नहीं पाएगा, क्योंकि मोबाइल वगैरह का जिस प्रकार से हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे करके सरकार जो डेवलपमेंट आने वाले समय को रख करके जो डेवलपमेंट के बारे में जो प्लान बना रही है वो बहुत ही अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं हर बजट में कुछ आशाएं बनती है, कुछ निराशा होती है, ये बजट जब भी आता है कुछ ना कुछ निराशाएं रहती हैं, वो तो हो रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक क्रांति ओडिशा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस बजट डिबेट। यूनियन बजट 2022 ग्रोथ ओरिएंटेड एंड डिवॉइड ऑफ पॉपुलिज्म। It may be termed as a capital budget instead of than a socialist budget. The Union Budget 2022, announced by FM Nirmala Sitharaman ji in Parliament yesterday, is presented as a blueprint of the economy over Amrit Kal of next 25 years as India enters its 75th year of independence from India at 75. To India at 100. The robust increase in CAPEX, that is capital expenditure, by 35.4% to 7.5 lakh crores, and a comprehensive investment plan for infrastructure are significant growth boosters. The launch
of the well-conceived PM Gati Shakti program for multimodal transport, including 100 cargo terminals and investment in 25,000 kilometers of highways, apart from investment in ports and metros, is an excellent development that will help create a world-class transport infrastructure in the country. Some of the key highlights of Union Budget 2022 includes allocation of rupees 48,000 crores toward completion of 80 lakhs homes under Pradhan Mantri Awas Yojana, and it is a very welcome step. FM also announced that approvals related to land and constructions, particularly for affordable housing in the urban areas, will be given priority. The government's focus on urban planning, especially in Tier 2 and Tier 3 cities in the budget, is also a very welcome step. Then digital rupee currency is announced. RBI will be launching it later this year. Imposition of tax on cryptocurrency assets and transactions. 5G auctions will be conducted in 2022. Capital expenditure. Prominence to Make in India terms of budget allocation for defense arm procurements. The launch of e-passports in 22-23. One nation, one registration will be established for anywhere registration to facilitate case of living, ease of living and doing business and more. And there are many MSME expansions also. However, the devil is always in the details. And the success of these measures taken will depend on the government's ability to focus on the implementations. There is very high expectation from the budget regarding reliefs in direct taxes, regarding higher standard deductions for salaried people, increase in tax exemption limits, increase in ATC limits, interest allowability increase, but there is nothing in the budget for them. During COVID period, the government may have thought to allow relief to increase consumption and thus growth in economy, but they have not thought so. In the indirect tax space, the Union Budget has mainly focused on the Atmanirbhar plan. Accordingly, duty concessions on projects imports in specific sectors such as coal, mining, gas projects, power generation and water supply have been removed in order to boost domestic players in this sector. The Union Budget 2022-23 is a disappointment towards the support to the middle class as far as direct taxes are concerned or GST is concerned, but I would be terming it as a balanced budget because the FM has mainly focused on the infrastructure development, counting it for the coming 25 years. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले मैं क्रांति उड़ीसा वेब टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि एक आम आदमी को आप लोगों ने यहाँ बुला के इस बजट की चर्चा में शामिल किया. इस बजट के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति जो मेरे को समझ में आई है दो दिनों में, लोगों के अंदर में एक चर्चा है कि मिडिल क्लास आदमी को इसमें कुछ नहीं मिला, कॉरपोरेटर सेक्टर को छूट दी गई और बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं दिया गया. मेरी उम्र 56 साल है और 16 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा इस विषय में जब जब मेरे को जानकारी मिली है, हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान हैं, गरीब हैं और 70 सालों में वो गरीबी हम दूर नहीं कर पाएंगे. इस बजट के अंदर में जितने प्रावधान सरकार ने किसानों के लिए किए हैं, जिस ढंग से मॉडर्नाइजेशन करके डिजिटल के साथ किसानों को जोड़ना है, MSP के माध्यम से दो सौ सैंतालीस लाख करोड़ रुपये MSP के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे, किसानों को घर प्रदान किए जा रहे हैं, किसानों के घर में गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं, किसानों के घर में पखाने बनवाए गए हैं, उनके लिए यूरिया के अंदर में सब्सिडाइज किया गया है. ये जितने खर्चे हैं, ऐसे लगता है कि रियल में जो हमारे देश की जो निचली रेखा है, जो गरीब किसान है, उसको ऊपर लाने का प्रयास किया गया है. दूसरा मुद्दा है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र के प्रति हम समर्पित भाव अगर रखते हैं तो हमारी सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है. अगर हम सुरक्षित हैं, हम जीवित हैं, तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में.
तो उस डिफेंस वाले पार्ट के अंदर में अगर बात करते हैं तो जिस ढंग से आधुनिकरण और हथियार जो हमारे देश में निर्मित होने लगेंगे 70% के हथियार, उससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जो मिडिल क्लास आदमी है, जो भी बिजनेस चलता है, जो भी व्यापार चलते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, ऊपर से बन के पैसा निकलता है और नीचे के लोगों तक उसमें बढ़ता है। मिडिल क्लास आदमी मिडल में होता है, ऊपर वाले ऊपर हैं, नीचे वाले नीचे हैं, लेकिन वो ऊपर से और नीचे तक जितना मनी मूवमेंट होता है, मार्केट में सर्कुलेशन होता है, सारा पैसा मिडल मैन के थ्रू होता है। तो कहीं ना कहीं मिडल मैन को हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर क्षेत्र से उसकी आमदनी होती है। विगत 2 वर्षों के अंदर में जिस ढंग से कोविड के अंदर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य नहीं रुका, कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं रुका, हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, एक आम दृष्टि नागरिक की तरह, आज चाइना ने जैसे हालात पैदा किए हैं, उस माहौल के अंदर में डिफेंस के अंदर में जो बजट दिया गया है, वो जो बजट है वो हम और आप सब साधारण नागरिक मिलके दे रहे हैं वो पैसा, और मिडिल क्लास आदमी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें किसान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो तेल सेस के माध्यम से कर रहा हो, चाहे वो कुछ खरीद रहा हो उसके बाबत में हम कुछ टैक्स दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो बजट है, इस बजट में मेरे को जो सबसे खूबसूरत बात लग रही है और रियल में इस बजट में हमारी सुरक्षा और हमारे जो लोअर तबके के लोग हैं उनके लिए जो सारा गवर्नमेंट ने दिया है, और मिडिल क्लास लोगों के लिए जिस तरह से ये जो 10 लाख रुपए लोन की योजना है, युवाओं के लिए लाखों करोड़ों लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, लाखों करोड़ों लोगों को घर मिल रहा है, ऐसी पेंडेमिक में जो हम दुर्दशा की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर में पूरे राष्ट्र निर्माण का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर हम सोच रहे हैं कि इस बजट में कोई कमियां हो सकती है, लेकिन मैं बहुत हृदय से एक साधारण नागरिक होने के नाते मेरे को ऐसा लगता है ये जो प्रयास इस बजट में किया गया आने वाले समय में भारतवर्ष को बहुत ऊंचाई की ओर लेके जाने वाला बजट है। धन्यवाद। जो हमारी बजट पे चर्चा चल रही है, उस चर्चा में जैसे कमल भाई बोले थे कि हम लोग साधारण लोगों को भी इसमें बुलाया गया, तो मेरे ख्याल से यहाँ साधारण आदमी कोई भी नहीं है, सिर्फ बुद्धिजीवी ही इन्वाइट है यहाँ पे, और आप भी बुद्धिजीवी में ही आते हैं, तो पहले तो ये मान लें कि यहाँ कोई भी साधारण आदमी नहीं है, और जो आप लोगों से इस पे चर्चा पे प्रति चर्चा हुई है, उसकी क्रिया हुई है, बहुत सी चीज़ें हम लोग को बातचीत से ज्ञान होता है, हम लोग को ही बढ़ता है उसके अंदर में, सभी का ज्ञान बढ़ता है, अपने अपने क्षेत्र में सब पहुँचे हुए हैं। अभी आप अमेरिका को देख लो, पूरे वर्ल्ड को वो हथियार बेचता है, और हथियार बेचता है, शायद आपने किस्सा सुना होगा, जमशेद जी टाटा बोला करते थे कि लोहा तो सब बेचते हैं, मैं लोहा को इस तरह बेचूं कि उसका मेरे को कुछ दाम मिल सके। जो उनके ट्रक के अंदर में जो क्रैंक चलती है, जो चारों पिस्टन को चलाती है, 6 पिस्टन को चलाती है, वो क्रैंक पहले उनके ट्रक के अंदर में इम्पोर्ट होती थी, और इम्पोर्ट होती थी उस ज़माने में 10,000 की या 20,000 की जो भी आती थी, वजन के हिसाब से वो अगर देखा जाए तो वो चांदी के रेट के अंदर में आती थी। तो बोले इसको भाई हम अपने यहाँ बनाएं तो हमारा बहुत बड़ा इसमें हमारा फ़ायदा होगा, तो उन्होंने मेहनत की, 1-2 बार फेल हुए, वो क्रंक उनकी बन गई, आज उनका टाटा का इंजन बड़ के अंदर में फेमस है, ट्रक का बस का इंजन। तो आज मोदी जी की सोच भी आप देखो कि बजट के अंदर में आज कितना बड़ा पैसा इन्होंने डिफेंस के ऊपर अलॉट किया है। तो जो हम अरबों खरबों रुपए का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं लड़ाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, उसके लिए वो उनका विज़न कितना तगड़ा है, आप देखिए कि वो सारा सामान वो अपने यहाँ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2 कंट्री आना भी चाहे तो उसको बोल रहे हैं कि भाई तू यहाँ लगा, तू लगा के यहाँ पर प्रोडक्शन कर और अपना जो तुझे प्रॉफिट चले जाए, मालूम है कि 2-5 साल 10 साल 15-20 साल करेगा, उसके बाद तो तुझे भागना ही है। हमारे आदमी तो ब्रेन में पूरे बड़ में फेमस हैं, पूरी ब्रेन हमारा बड़ में हमारा छाया हुआ है, पकड़ लेंगे तेरे को। तो ये सोच कितनी आप में सब बजट में आप एक सोच दो को सोच कितनी दूर है। अब ये बजट में जो इसके लिए पैसा अलॉट किया है, रक्षा बजट जो किया है, अब ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बजट है रक्षा के अंदर में। तो ये हथियार अपनी सुरक्षा के लिए बनाएंगे, और हो सकता है आने वाले समय में इसमें छुपा हुआ एजेंडा हो, बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे हथियार एक्सपोर्ट होंगे। जो क्रैंक वाला जो मैं उदाहरण दिया था, जो क्रैंक शाफ्ट जो बनती है इंजन की, जिसकी कॉस्टिंग 10,000 आती है और 1 लाख में बिक गई है, तो हमारी भी ये लोहा लक्कड़ हमारे घर में बहुत पैदा होता है, उड़ीसा हमारा लोहा से भरा पड़ा है, तो ये हमारा सोने के दाम में बिकेगा। आज एक मिसाइल्स लेते हैं, मिसाइल्स का वजन कितना होता है, कुछ भी नहीं होता है,
लेकिन मिसाइल्स करोड़ों अरबों रुपए में मिलती है हम लोग को। तो ये एक एक विज़न है, एक सोच है। तो ये बजट के अंदर में मेरे को ये सोच इनकी बहुत ही अच्छी लगी। एक एक सेकंड, एक इन्होंने आप देखो जो हम कोई भी व्यापारी बता दे हम मिडिल क्लास व्यापारी हैं, हमारे पास बहुत लूपहोल्स थे कांग्रेस के ज़माने में, कच्चा पैसा पक्का करने का, एक नंबर का दो नंबर करने का 10-20 तरीके थे। भगवान की दया से आज, मोदी जी की दया से आज कोई रास्ता नहीं छूटा, सब रास्ते बंद हो गए, कोई आदमी कच्चा पैसा करके दिखा दे। अब ये क्रिप्टो करेंसी बोल के एक आ गई, उससे क्रिप्टो करेंसी पे उन्होंने 30% टैक्स लगा दिया। एक तो जब टैक्स लग गया तो उस पर TDS भी कटेगा, और टैक्स लगा तो कच्चा उसमें जा नहीं सकता, पक्का ही पक्का है, जो आप इनकम लेके वहाँ से जो आप धोखा भी लाएंगे उसमें 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। तो इनकी सोच एक बड़ी बहुत क्लियर है कि देश को अगर ऊंचाइयों पे ले जाना है, वर्ल्ड क्लास में बनाना है, तो आपको ईमानदार रहना ही पड़ेगा, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितना मोटा मोटा एक खर्चा कर रहे हैं, हमारे बजट बना रहे हैं, तो अपनी पॉकेट से थोड़ा कोई लाएगा। दूसरा बात कहते हैं कि हम लोग बार बार व्यापारी बोलते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। भाई साहब, हम मोदी जी से बात कर लेते हैं कि आप टैक्स कोई भी मत दो, एक पैसा टैक्स मत दो, ठीक है, और आप अपनी जो फैक्ट्री चलाते हो, फैक्ट्री के रोड आप अपना बिछाओ, रॉ मटेरियल आप अपना कैसे लाते हो वो लाओ, ट्रक आप अपना बनाओ, मोबाइल आप अपना बैठाओ, टेलीफोन आप अपना बैठाओ, और अपना प्रोडक्शन करो, बेचो चाहे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कर सकेगा कोई? एक कील नहीं बना पाएगा। तो आज हम कहते हैं कि हमने जो गवर्नमेंट सरकार ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा दे दिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग पैदा कर रहे हैं, वो पैदा करके हम सरकार को दे रहे हैं, एक सर्किल है ये। तो ये दिमाग से हम लोग निकाल दें कि हम सरकार को दे रहे हैं, सरकार हमारे लिए मूलभूत हमारे पास सुविधा दे रही है जिससे हम लोग कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग कर नहीं सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने 74% डिफेंस का आइटम खोला ही नहीं है, 65% आपको इंडियन से खरीदना पड़ेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए बाध्यता कर दी, नहीं तो क्या होता, हमको इंडिया में नहीं मिल रहा, इंपोर्ट करते ही लोग। सेकंड, आप ये लोग मजाक उड़ाते हैं, मोदी जी लोगों की आमदनी डबल नहीं की इंडिया में, जैसे मिर्ज़ापुर जोन में है, बुंदेलखंड है, ऐसे बहुत से इलाके थे जहाँ पे कुछ भी पानी का व्यवस्था नहीं था, वहाँ 50-50, 60-60 बरस पहले उद्घाटन हुआ हुआ प्रोजेक्ट पड़ा था, वहाँ 2-2 लाख, 10-10 लाख हेक्टेयर स्क्वायर हेक्टेयर जमीन पर लोगों को पानी मिलने लगा है। वो पानी मिलने लगा तो उनकी एक फसल से 3 फसल होने लगी है। सेकेंड, वो कोशिश कर रहे हैं 5% आपके लिए रिजर्व रख दिया है कि पेट्रोल में आपको बायोफ्यूल मिलाना पड़ेगा जो आपको गन्ने से मिलता है, इससे भी तो किसान की आमदनी का उत्थान होता है। तो हल्की बात नहीं करके हम लोग यदि उचित बात करें, जैसे यही डिफेंस का जो इतना बड़ा मार्केट खोला है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसमें कितनी पनपेगी बोलिए ना, 65% आपका डिफेंस का परचेज इंडियन से खरीदना कंपलसरी कर दिया है। तो आज हम लोग खाली कोई अच्छा कर रहा है तो हमको देखना चाहिए कि उस पर ये जो है स्टेटमेंट दे देते हैं, ये 500 विदेशी घराने, अरे घराने तो सब चौपट हो गए, आज से 10-15 बरस पहले जो घराने थे आज उनका अस्तित्व कहाँ है? अब नए लोग पैदा हो रहे हैं, आज मान लीजिए इन्फोसिस पैदा हुआ, आज आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से पैदा हुआ, अरे ये लोग पैदा नहीं होते तो आपके पास पेमेंट करने का नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करने का, आप इतना अधिक इंपोर्ट करते पेट्रोलियम, खाने का तेल सब कुछ। अब इसी में इन्होंने जोड़ दिया है कि हम खाने का जो तेल इतना इंपोर्ट करते हैं तो खाने के तेल को किसानों को लगाना चाहिए, उस पर हम उनको प्रोत्साहन के पैकेज भी देंगे, पैसा भी देंगे, तो सोच रहे हैं ना कि कीमत, और उसका रिजल्ट भी हमको मिल रहा है। दूसरा बात, एक बात आप बता दीजिए मुझको, सूरत के लोग बोलते हैं जब कपड़े पर टैक्स नहीं था तो आज उनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो कपड़ा व्यापारी है उनका एक नंबर का पैसा ही नहीं है, वो इतनी चोरी करते थे कि उनके पास एक नंबर पैसा क्या कमाते नहीं थे क्या? आज ईपी को जो व्यापारी हैं ये बोलेंगे कि हम देते हैं, कितना टैक्स देते हो तुम, क्या तो इंडस्ट्रीज़ देता है क्या, टैक्स पेयर जो नौकरी करता है वो पेमेंट करता है, बोल देंगे आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बता दीजिए, आपको बोल देंगे यार हमारा 5,000 रुपया टैक्स का पेमेंट कर देना, उस हिसाब से मेरा बैलेंस शीट बना दो।
तो व्यापारी रोना रोना खाली रोना क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है बताइए ना। अब सूरत के जो व्यापारी 5% टैक्स लगाते हैं रोना चालू कर दिया कि उनको जो चोरी, एक एक व्यापारी हमारे रिश्तेदार है, कपड़ा का व्यापार करते बहुत लंबा उनका है, और कुछ नहीं 20 लाख रुपये भी टैक्स नहीं देते 100 करोड़ का टर्नओवर के, तो 100 करोड़ में 20% से कम 50% का धंधा है ये, मैन्युफैक्चरिंग जीन्स पर करते थे तो उसमें वो 20 लाख रुपया टोटल प्रॉफिट दिखाते हैं, फिर उनका रेट पड़ती है तब हाँ हमको मैनेज करो। तो आज व्यापारी को भी ये भी सोचना होगा, खाली वो जो लोग नौकरी पैसा है वो टैक्स देंगे तो इंडस्ट्री चलाते, हम तो मजबूर हैं, हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है, हमको GST भी देना पड़ता है तो हमको दिखाना पड़ता है कि मेरा इतना टर्नओवर हुआ, आगे यहाँ तो बहुत स्कोप है। कल ही टीवी डिस्कशन में चल रहा था कि आप GST में मेरे से सामान लेंगे तो ये रेट और मेरे बिना GST में लेंगे तो ये रेट, अब वो GST में आप बिल को बेचेंगे, तो आप देखिए व्यापारी जो बात बोलते हैं तो व्यापारियों को भी चार बात सोचना चाहिए, देश अपना है, कमाई का हिस्सा गवर्नमेंट को भी दीजिए तभी देश बनेगा। मैं फिर इस बात पे आपको एक याद दिलाना चाहूँगा, कल के बजट में आने के पहले परसों एक इकोनॉमिक सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे जब आता है बजट के पहले दिन आता है वो रूपरेखा बताता है पिछले साल क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या उन्होंने वादे किए थे, कितने कंप्लीट हुए, कितने रह गए मिस हो गए और कितने हिट हुए, फिर आगामी साल में क्या क्या वो करते जा रहे हैं उसका विजन प्रस्तुत करते हैं। एक मैं बात बताऊंगा आपको, उन्होंने 2021-22 जो साल चल रहा है 22 मार्च को ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को, एक टारगेट लिया था पिछले साल जब यही मैडम निर्मला सीतारमन जी बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा था 1,70,000 करोड़ रुपया सरकारी हम डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी सरकार की जो परियोजनाएं, जो इंडस्ट्रियां हैं जो घाटे में चल रही हैं, जो उनको सरकार को साल दर साल करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों करोड़ रुपया नुकसान दे रही हैं उनको सरकार बिक्री करेगी और 1,70,000 करोड़ रुपया उससे हम उगाही करेंगे, उनकी जमीन उमीन सब तरफ से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसमें आज जब बजट का सर्वे आया है और जब उनमें पता चला है तो सिर्फ 12,000 करोड़ रुपया पूरे साल के 10 महीने चले गए उन्होंने उगाए हैं और 1,58,000 करोड़ रुपये से शॉर्टफॉल चल रहा है। उनकी जो आखिरी एक आशा थी LIC का IPO आएगा वो भी उन्होंने मना कर दिया कि वो 2022 में नहीं आएगा, 2022 मार्च के बाद अप्रैल से 2023 के बीच में आएगा। तो ये वादे और इम्प्लीमेंटेशन की बात है जो मैं बजट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमें कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं जाना है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं या सोनिया जी अच्छा नहीं कर रही थी या वो कर रहे हैं उससे बात नहीं, मैं एक वादे की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, फिर इकोनॉमिक सर्वे में एक आया परसों, कल बजट के पहले था, हिंदुस्तान में ये 75वां साल चल रहा है, 75 साल में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, आज हिंदुस्तान में जितने बेरोजगार हैं पिछले 75 साल में कभी भी नहीं थे, और ये हालत तब से शुरू हुई है जब से 2017 में डीमोनेटाइजेशन का काम शुरू हुआ, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान में है और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनकम टैक्स वकील भी यहाँ बैठे हुए हैं, एक और उसमें एक आया था, हम सब बात करते हैं कि मोदी जी आने के बाद 6 करोड़ इनकम टैक्स लोग रिटर्न देने लगे, आप में से कोई जानता है कि उसमें से 4.5 करोड़ इनकम टैक्स की रिटर्न ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 5% भी टैक्स नहीं आता, 4.5 करोड़ रिटर्न ऐसी हैं जिनमें 5% टोटल इनकम टैक्स नहीं आता, बाकी जो 1.5 करोड़ हैं उसमें से 10 लाख रुपया से ज़्यादा इनकम वाली जो रिटर्न है उनका परसेंटेज भी सिर्फ 5% है। ये हालत हमारे देश की, और हम बोलते हैं हमारे देश में प्रगति पर है और हम यहाँ पर क्या 10 लाख रुपये से रोजगार करने वाले आदमी सिर्फ इतने ही हैं? तो ये आंकड़ा भारत सरकार के आंकड़े, हमारे नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े, तो ये इस तरह की है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा ज़रूरी है, कोई भी बजट सरकार कितना विजनरी करो लेकिन अगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा तो उसका हालत ख़राब होना ही है और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है वो रहेगी,
उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। एक लाइन में बोलना मेरा, इन्होंने कहा कि 170,000 करोड़ रुपया का गवर्नमेंट को अपना प्रॉपर्टी कंपनियां बेचना था। कांग्रेस जमाने में क्या होता था, ये टेक्सटाइल मिल है, सीख हो गया, हमको अपना वोट बैंक बनाना है, इसको ले लो। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, अपना वोट बैंक बनाना है, इसको ले लो। इस तरह की प्रॉपर्टियां हैं और गवर्नमेंट 70 बरस पुरानी बर्न स्टैंडर्ड कंपनी है, उसमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड, उनका नौकरी कौन देगा हर साल? टैक्स पेयर की कंपनी पैसे से जा रहा है ना। तो आज उन कंपनियों को निकालने में भी तो हम कोई खरीदने वाला ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मेरी समस्या मैं बता देता हूँ कि मैं, मेरा एक मकान दिल्ली में छोटा था, एक मथुरा में भी कोठी है, एक यहाँ बीजू पटना छक पे भी है, और मेरे को रिपेयरिंग कराने का, सब कराने का, घर में कोई काम फाम होता है तो मेरे को शौक है। लेडी चिल्ला चुल्ली न करें भाई, सैनिटरी ख़राब हो, सैनिटरी वाले बुला लाओ, इलेक्ट्रिक लाइट वाले बुला लाओ, मेरे को सब मिल जाया करते थे। अभी कुछ साल से देख रहा हूँ मैं, जब से मोदी जी आए हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, सैनिटरी वाला बताओ, सैनिटरी नहीं वाला मिलता है मेरे को, मजूर बुलाता हूँ, मजूर नहीं मिलता है मेरे को। मेरे साथ तो ये समस्या है कि मेरे को यहाँ पे कहीं भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाई देता है, मेरे को कहीं मजदूर आदमी नहीं मिलता है, मेरी लेबर नहीं मिलती है, कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे को ऊट पटांग रेट बोलते हैं, कहीं रिपेयरिंग का काम हो गया तो मेरे को आदमी मिलता ही नहीं है। आपको क्या पता, मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद। जैसा कि अभी हम लोग पीछे में बात कर रहे थे कि नीचे तबके के लिए सरकार ने कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया, वहाँ 2-3 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। एक सरकार अभी ग्रीन एनर्जी के लिए पूरा जोर लगा के रखा है और दूसरा हाइड्रोजन पावर के लिए, और इस साल वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, इससे आप रेल भी चला सकते हो या जो भी बिजली से या जो ये पावर से चलती है वो काम ये आएगा, और इसकी कॉस्ट बहुत ही कम आएगी। और जो हम लोग तेल के ऊपर निर्भर करते हैं और जो हमको फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, एक तो वो बचेगी और दूसरा हमारा खर्चा बहुत कम आएगा। और ये चीनी मिलों से भी एंथोल जो निकलता है इसकी परसेंटेज भी बढ़ा दी गई है, जिससे चीनी मिलों को जो घाटे में चलती थी वो प्रॉफिट में आ गई है सब। दूसरी चीज़, एक वो चिप्स लगती है जो गाड़ियों के अंदर में, उसको क्या कंडेंसर बोलते हैं क्या, कंडक्ट, उसका पूरे अभी बहुत शॉर्टेज है। उसके लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपया दिया है कि उसका यहाँ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी का जो सपना है कि स्वदेशी, वो मैक्सिमम हमारे इंडिया से अभी होने जा रहा है। और नीचे तबके के लिए आप सबको मालूम है कि 30 लाख के मकान के लोन के ऊपर में सरकार पीएम आवास योजना में शायद 3% छूट मिलती है और 50 लाख तक 2% वो सब्सिडी मिलती है। तो ऐसा नहीं है, बजट जो है सबके लिए है। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हुई हो, ये मैं भी मानता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स के लिए कुछ बोला जा रहा है, तो ये हमारी सब कामनाएं पूरी हो, ये मैं तो यही बोलूँगा कि इसके ऊपर में कोई एक्स्ट्रा टैक्स और एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ा, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहा, ये मैं बोलता हूँ कि ये इसलिए हमारा बजट बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद। कटक शहर में, उड़ीसा में सबसे पहले मीडिया का आविष्कार, विकास जो भी कुछ हुआ कटक शहर में ही हुआ है, और आज तक भी किसी भी मीडिया चैनल ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, किसी ने भी कटक में बजट के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। ये प्रथम चर्चा है 100 साल के मीडिया इतिहास में जो क्रांति उड़ीसा मीडिया ने प्रथम चर्चा की है। अब आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में आप सभी का और सहयोग मिलेगा, और आप लोगों के सबके सहयोग से, सद्भावना से क्रांति उड़ीसा आगे बढ़ेगी। क्रांति उड़ीसा जन चर्चा कार्यक्रम बजट 2022-23 पर जो चर्चा किए, बहुत ही सार्थक रूप में चर्चा हुई, बहुत ही अच्छा पैनल हमें क्रांति उड़ीसा वेब टीवी को मिला और ऑडियंस भी दमदार मिला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।